आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल या ब्लड कलेक्शन मेथड तो देखिए ब्लड इज द मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन यूज फॉर मोस्ट एनालिटिकल पर्पज ब्लड एक मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन है जिसको हम एनालिटिक पर्पज के लिए यूज करते हैं ब्लड यू मस्ट बी कलेक्टेड विथ केयर एंड सेफ्टी कंटामिनेशन ऑफ द सैंपल इज अवॉइडेड ब्लड को हम कलेक्ट करेंगे केयर के साथ और सेफ्टी के साथ और कंटामिनेशन होगा सैंपल का उसको हम अवॉइड करना है द प्रॉपर कलेक्शन ऑफ ब्लड स्पेसिमैन इज वाइटल पार्ट ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक पर्पज और जो हम ब्लड का कलेक्शन करते हैं वो प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए यह है ना लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसेस के लिए एक वाइटल पार्ट है ब्लड कलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच रिमूवल रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ब्लड कलेक्शन है सबसे तो सब पहले पेशेंट आइडेंटिटी इज अवेलेबल हमारे पास सबसे पहले पेशेंट की आइडेंटिटी अवेलेबल होनी चाहिए फिर एक प्रोपर रिक्वेस्ट फॉर्म और मोर देन वन रिक्वेस्ट फॉर्म एग्री विथ पेशेंट्स आइडेंटिटी इज अवेलेबल तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए या एक हो एक से ज्यादा हो जिसपे एग्री करते हैं कि भाई हाँ पेशेंट की हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है अप्रोप्रिएट टेस्ट यूब होनी चाहिए फॉर सैंपल कलेक्शन इज लेबल्ड सैंपल कलेक्शन मतलब है ना जो वाला सैंपल करेंगे उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब अप्रोप्रिएट होनी चाहिए फॉर फॉर बायोकेमिकल टेस्ट द पेशेंट शुड बी मेड अवेयर टू कम फास्टिंग आफ्टर ओवर नाइट फास्ट टू अवॉइड एरर्स इन रीडिंग ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ फूड और बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें पेशेंट को बताना होगा कि अब आपको फास्टिंग करनी है मतलब रात भर कुछ नहीं खाना है ताकि हम मतलब हमारा एरर ना हो इन्वेस्टिगेशन में और वो किससे होंगे अगर फू खाना खाया हुआ तो वो एरर शो करेंगे हमारे टेस्ट में और करेक्ट वॉल्यूम ऑफ ब्लड सैंपल शुड भी कलेक्टेड इन अप्रोप्रिएट वैक्यूटेन और करेक्ट वॉल्यूम हमें लेना है ब्लड सैंपल का वैक्यूटेन में फॉर पर्टिकुलर टेस्ट देर आर जनरली कलर कोडेड और ये मतलब जो ट्यूब्स uh, होंगे वो कलर कोडेड होंगे जनरली तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे हमारे पास रेड कलर का मतलब वो ट्यूब है तो उसके अंदर कोई एंटीकोगोलेंट नहीं होता है और वो यूज़ होता है बायोकेमिकल टेस्ट बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट और सीरोलॉजिकल टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी के लिए और ग्रे कलर का ट्यूब होगा तो उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड नाम का एंटीकोगोलेंट होगा और ये ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए काम आता है लेवेंडर कलर का होगा या फिर पर्पल कलर का होगा उसको हम उसके अंदर पोटेशियम ईडी जो 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 होगा एंटीकोगोलेंट और वो हिमाटोलॉजी इम्यूनोलॉजी और एच एच बी ए वन सी एस्टिमेशन के लिए काम आता है और लाइट ब्लू का होगा उस सोडियम सीट्रेट बोलते हैं और वो कागुलेशन स्टडी के लिए काम आता है और येलो कलर का अगर मतलब अपने पास जो टेस्ट टेस्टिंग होगी तो सोडियम सीटरेट डेक्सट्रोस एंटीकॉगुलेंट होगा उसमें अंदर और वो काम आएगा ब्लड बैंक स्टडी और एच एल ए फिनोटाइपिंग के लिए अब ब्लड कलेक्शन मेथड देखिए थ्री जनरल प्रोसीजर फॉर ऑपटेनिंग ब्लड तीन जनरल ब्लड ऑप्टेन करेंगे हम सबसे पहले या तो कैपिलरी ब्लड कलेक्शन करेंगे कैपिलरी का ब्लड लेंगे या फिर वीनस ब्लड लेंगे या फिर आर्ट्रियल ब्लड कलेक्शन करेंगे तो देखिए कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के लिए क्या होता है ऑल्सो नॉन एज पेरीफुलर ब्लड और माइक्रो ब्लड सैंपल इसको हम पेरिफुलर ब्लड और माइक्रो ब्लड सैंपल भी बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब इज ऑपटेन बाई स्किनिंग हम इस कैपेलिट्यूब हमें किससे ऑपनिंग होता है स्प्री से इट प्रोवाइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड स्पेसमैन और इसमें हमें छोटा सा ब्लड स्पेस मतलब कम क्वांटिटी में मिलता है ब्लड स्पेसमैन और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है डिस्पोजेबल ग्लव्स होना चाहिए हमारे पास एल्कोहल स्वाब होना चाहिए स्टराइल ब्लड लेंसेट होना चाहिए कॉटन वूल होनी चाहिए और कैपिलरी ट्यूब्स होनी चाहिए तो हम कैपिलरी मतलब वो लेंगे और ये हमें यूज किसके लिए होता है ब्लड स्मेर और पीसीबी के लिए यूज होता है कैपिलरी ट्यूब साइट ऑफ पंचर कौन सी होती है अडल्ट और हमें चिल्ड्रन में कहां पे करते हैं टिप ऑफ रिंग फिंगर रिंग के टिप में हम इसको करेंगे या फिर मिडिल फिंगर या ईयर लॉब में हम इसको पिक करेंगे और इनफेंट होंगे तो अब जो बच्चे होंगे उनके अंदर प्लांटर सर्फेल बिग टो और हील प्लांटर सर्फेल और मतलब है ना बिग और हील पे करेंगे मतलब है ना बच्चों के और अडल्ट के करेंगे टिप ऑफ रिंग फिंगर रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर या फिर ईयर लॉप पे हम साइट ऑफ पंचर होगा प्रोइजर किस तरह से करेंगे एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट द प्रोइर पहले हम मतलब है ना पेशेंट को बताएंगे हम क्या करने वाले हैं फिर हम डिस्पोजल ग्लव्स पहनेंगे फिर पोजिशन करेंगे पेशेंट की फिर द बेस्ट लोकेशन फॉर फिंगर ट्रिप आर रिंग और मिडिल फिंगर और ये बेस्ट लोकेशन होगी वो होगी फिंगर ट्रिप या फिर मिडल या फिर है ना मिडिल फिंगर तो अवॉइड पंचरिंग अ फिंगर इफ कोल्ड स्वेलो और मिडिल फिंगर अगर है ना मतलब है ना कोल्ड और सोलिन है तो हम उसको मतलब है ना पिक पिक को अवॉइड करेंगे क्लीन द फिंगर फिंगरसाइट विथ एल्कोहल सोहाब एल्कोहल सोहाब से पहले हम फिंगर फिंगरसाइट को क्लीन करेंगे फिर अलाओ द एल्कोहल टू ड्राई कंप्लीटली बिफोर पिक फिर हम है ना एल्कोहल को पूरा ड्राई करने के लिए अलाव करेंगे फिर हम स्टेराइट लेंस यूज़ करके पंचर करेंगे दो से तीन एम एम डीप और फिर विद ड्राई एंड क्लीन कॉटन वूल वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड फिर है ना क्लीन मतलब है ना कॉटन से हम है ना उसको है ना पहले जो ड्रॉप होगा उसको वाइप अप करेंगे और फिर स्टॉप द ब्लड फ्लो बाय अप्लाइंग स्लाइट प्रेशर अ विद्वेज पैड और कॉटन एट द साइड फिर हम उसके ऊपर जैसे खून आता होगा तो हम उसको स्टॉप करने के लिए गॉज पैड या कॉटन उसके ऊपर दबा देंगे तो ये प्रोसीजर होगा अपने कैपिलरी ट्यूब मेथड के लिए या फिर कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के लिए फिर आएगा अपना वीनस कलेक्ट वीनट ब्लड कलेक्शन तो वेनिक पंचर इज द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग ब्लड सैंपल फ्रॉम वेन्स फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग वैनिक पंचर उसमें मैंने ब्लड सैंपल लेते हैं वेन्स का लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए बेस्ट साइड कौन सी होती है वीनस ब्लड की वो होती है एंटी क्यूबाइडल फोसा एंटी क्यूबाइडल फोसा होती है ना वो बेस्ट साइड होती है साइट ऑफ पंचर कौन सी कौन सी होती है मीडियल वेन कैफिलियन वेन और क्यूबाइटल वेन तीन तरह की साइट होती है तो देखिए अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी इसमें होगी सीरेंज और निडल टेस्ट ट्यूब टोनिकेट ग्लव शार्प कंटेनर गॉज पेड और कॉटन और एड्रेसिव बैंडेज इफ वैक्यूटेनर मेथड यूज टू वे नीडल एडेप्टर और टेस्ट ट्यूब ये सब हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रोविजन क्या होगा सबसे पहले ग्लव्स पहनेंगे और मास्क पहनेंगे फिर हम मतलब है ना लेबल करेंगे मतलब है ना सैंपल को पेशेंट के नेम और सरनेम से फिर पेशेंट को पोजिशन के लिए बोलेंगे फिर हम है ना साइट लेंगे और टोनिकेट uh, अप्लाई करेंगे तीन से चार इंच अब द वेन्यू वेन्यूपचर साइट चार इंच वेनी पंचर साइड्स के ऊपर फिर हम तीन मेन वेन लेंगे उसमें और फोर की वो होगी सिफेलियन मीडिय मीडियन क्यूबाइटल और बेसिलिक वेन फिर हम क्लीन करेंगे वेनी पंचर साइड को गॉज पेड की मदद से और कॉटन से और फिर हम अलाउ करेंगे उसको ड्राई होने के लिए फिर इंसर्ट करेंगे हम निडल को प्रॉपरली वेन में और किस एंगल पे तीस से चालीस डिग्री और इफ़ निडल इफ द निडल प्रॉपरली इन वेन स्लाइटली पुल बैक द पिस्टन एंड ब्लड विल बिगेन एंटर इन सीरेंज फिर हम पिस्टन को थोड़ा सा बैक लेंगे तो हम हमें वहां पर दिख जाएगा कि भाई वहाँ पर आ रहा है खून या नहीं आ रहा है पिस्टन के अंदर फिर हम है ना उसको खून लेके हम टोर्नीट को रिमूव कर देंगे फिर हम कॉटन और आ, मतलब है ना अप्लाई कॉटन ऑफ पंचर साइड एंड जेंटली रिमूव द निडल एंड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू प्रेस ऑन द कॉटन और फिर हम कॉटन को मतलब लगा देंगे और ना मतलब नीडल को धीरे से रिमूव कर देंगे और फिर ना पेशेंट को बोलेंगे आप है ना कॉटन को अच्छे से दबा दो फिर फर्स्ट कवर द नीडल विथ कैप फिर हम है ना निडल को कवर करेंगे कैप से और फिर रिमूव करेंगे सीरेंज को और एक्सपेयर करेंगे ब्लड को ट्यूब में फिर अप्लाई नॉन लेटेक्स एडेसिव फिर नॉन लेटेक्स एडेसिव लगा देंगे ये हो गया अपने वैनी पंचर या फिर विनस ब्लड कलेक्शन आर्टियर ब्लड कलेक्शन में क्या होगा आर्टियल ब्लड कलेक्शन इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ आर्टीय ब्लड गैसेस, ए बी जी सी ओ टू ओ टू और पी एच तो हम इसके लिए आर ब्लड लेंगे जो कि मतलब आरटीएल ब्लड गैसेस का एस्टिमेशन के लिए मोर डिफिकल्टैन विनस पंचर विनस पंचर से ज्यादा डिफिकल्ट है और इंक्रीज प्रेशर इन आर्टरीज मेक मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग और क्यों मोर डिफिकल्ट है क्योंकि आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो मतलब है ना ब्लीडिंग स्टॉप करने में परेशानी आ सकती है आर्टरी का कौन कौन सी आर्टरी सिलेक्शन करेंगे रेडियल आर्टरी और फीमोरल और ब्रेकियल आर्टरी और रिक्वायरमेंट क्या होगा गया सीरेंज और नीडल और ग्लव्स हमारे रिक्वायरमेंट होंगे और गॉज पैड और, और ट्यूब और इसके अंदर मेथड क्या होगा हम है ग्लव्स गलव्स वियर करेंगे और मास्क वियर करेंगे पोजीशन लेंगे फिर हम हाँ रेडियट आर्टरी को हम मतलब है ना फिल करेंगे मिडल और लेटेक्स फिंगर से फिर इंसर्ट करेंगे नीडल को तीस डिग्री एंगल पर फिर हम ब्लड को फिल कर देंगे सीरीज में फिर हम रिमूव कर देंगे नीडल को और गॉज पैड लगा देंगे तो मतलब है ना स्टॉप करने के लिए ब्लीडिंग को और प्रेसड फॉर फाइव मिनट और उसको पाँच मिनट तक हम दबा के रखेंगे रिमूव नीडल फ्रॉम सीरीज अब है ना निडल सीरीज से रिमूव कर देंगे और डिस्कार्ट इन शार्प कंटेनर उसको शार्प कंटेनर में डिस्कार्ट कर देंगे तो ये हो गया अपना कलेक्शन के किस तरह से कलेक्शन करेंगे और अब अपन अगले वीडियो में देखेंगे एंटी के बारे में